आजाद समाज पार्टी की संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कहा, संविधान बदलने की साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हे मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल रियल टीवी इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए साथियों अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस इलेक्शन मोड में है, वहीं बसपा के साथ ही अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है। शुक्रवार को देर शाम यात्रा दौसा पहुंची और उत्साहित कार्यकर्ताओं ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रो राम लखन मीणा ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है। आरएसएस शुरू से ही संविधान के लागू होने और तिरंगे को राष्ट्र ध्वज बनाने के खिलाफ है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश मेरवाल ने कहा कि आजाद समाज पार्टी इस बार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इतिहास रचेगी। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण देश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान में यात्रा के पहले चरण में 10 दिनों में 25 जिलों में पहुंचने की कार्य योजना है। जनसभा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी खड़े करेगी और सत्ता की चाबी भीम आर्मी के पास होगी। इन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत वर्मा ने जिले में संगठनात्मक गतिविधियां व आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। इस दौरान चेतराम बैरवा, रविंद्र सिंह भाटी राष्ट्रीय महासचिव जी, जितेंद्र उम्मेद भीम जिलाध्यक्ष भीम उम्मेद भीम, जसवंत सिंह भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन से नरेश जोनवाल, भीम आर्मी पाठशाला प्रभारी एडवोकेट उमेश बैरवा, रिंकू गैरोटा, जिया लाल, सम्राट सिंह, सुनील डोरिया, अमित बैरवा, कमल बैरवा, नवीन, मनीष नंदलाल, वेद प्रकाश, वंशी बाल, राज टाटावत आदि उपस्थित थे। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो साथियों इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों, और दोस्तों चैनल को शेयर करना ना भूलें। साथियों मेरी मदद जरूर करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। साथियों जय भीम जय संविधान, मिलते हैं अगले वीडियो में।